वैसे तो भारत में मुद्दे ही अलग होते हैं। हम ना तो ये मानने को तैयार हैं कि महंगाई है, ना ये मानने को तैयार हैं कि मंदी आने वाली है, और अब आगे भी जो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं ये हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं होती। और शायद यही कारण है जिसकी वजह से हमें इन बढ़ती हुई मुश्किलों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ये अब हम ही नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो ये मुश्किलें और भी बढ़ेंगी उसके लिए आपकी तैयारी हो जानी चाहिए या आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज भी भारत में 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो 160 रुपये दिन के कमाती है। जो तैयारी तो छोड़िए, जिसके लिए 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से वो जुटा पाती है। पूरा दिन वो काम करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अगर ऐसे में उन्हें कोई ये कह दे कि आपको आने वाले समय के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनके लिए पहाड़ टूट जाएगा पहले ही मुश्किलों का। सरकार खुद ये मानती है कि हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन जो है गरीबी रेखा के नीचे है। ऑफिशियली तो नहीं माना, अनऑफिशियली जरूर मान लिया जब कोरोना के समय में सरकार ने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है। जब आप ये मानते ही नहीं कि लोग गरीब हैं, तो आप राशन की नहीं दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? तो जैसा हमने कहा कि अनऑफिशियली सरकार मान चुकी है कि 80 करोड़ लोगों तक हमने फ्री में राशन पहुंचाया है, मतलब 80 करोड़ लोग 130 में से गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आप आंकड़ा निकाल लीजिए, ये कितने प्रतिशत हुआ कि कितने प्रतिशत लोग 130 में से, 130 करोड़ में से गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये ऑफिशियली है जो हमने सरकार के आंकड़ों से मेल खाते हुए बताया, और एक्चुअल ग्राउंड डेटा कितना होगा और कितना गंभीर होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपकी गर्मी सहन करने की क्षमता कितनी है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये जो भी हमारे देश में लोगों की जो गर्मी सहन करने की क्षमता है उसको आने वाली गर्मी अब तोड़ देगी। केरला में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ अब न्यूज़ हेडलाइन बन चुकी है। भारत में तो नहीं, भारत में मुद्दे ही अलग हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन ये एक हेडलाइन बन चुकी है कि भारत में 3.5 करोड़ नौकरियां 2030 तक सिर्फ क्लाइमेट चेंज, सिर्फ गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से चली जाएंगी। यही नहीं, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया है कि भारत ऐसा पहला देश होगा दुनिया में जो भीषण गर्मी की चपेट में होगा, जहां हीट वेव्स होंगी और जो लोगों की जो जीने की क्षमता है, गर्मी सहन करने की क्षमता है, उसे तोड़ देगा। मैं जो शुरुआत में आपको आंकड़े बता रहा था इससे पहले कि 2/3 जो जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे है, 160 रुपये से भी कम हर रोज कमाती है, वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो गर्मी होगी ये असहनीय होंगी, नौकरियां जाएंगी, काम पर लोग नहीं जा पाएंगे, वो इतनी गर्मी में काम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात, या तो आप गर्मी कम करने के उपाय खोजिए, मतलब आप पेड़ लगाइए और वो चीज़ें कीजिए जो अब सरकारों के एजेंडे में है ही नहीं। दूसरी बात, आप गर्मी को मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? आप एयर कंडीशन लगाइए, रेफ्रिजरेटर लगाइए, अपने फल सब्जियों के ट्रांसपोर्ट के लिए, वैक्सीन्स की और दवाइयों के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्हें एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है कि वो खराब ना हो। उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज, और ट्रांसपोर्ट में भी जैसे ट्रक हैं वो भारत में कोल्ड स्टोरेज ट्रक नहीं होते, तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। घर घर एसी लगाइए, रेफ्रिजरेटर लेकर आइए, जो खुद ग्रीन हाउस गैसेस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं आज पूरी दुनिया में। तो फैसला आपके हाथ में है कि आप पेड़ लगाने जैसे फालतू के काम करेंगे जिनसे कार्बन एमिशन नहीं होता और जो सही मायने में समाधान है, या फिर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अब समस्या भारत जैसे देश में ये आती है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उस देश में जहां 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, क्योंकि वो रोज खा कमाते हैं और रोज खाते हैं, और कोरोना के समय में आपने काम धंधे बंद कर दिए थे, तो आपने उनको रोटी देनी पड़ी थी क्योंकि आपको डर था मिली या नहीं मिली, दी या नहीं दी, कितने लोग भूख से मरे वो एक अलग मुद्दा है। हम ये बात कर रहे हैं कि आपने माना कि हमने उनको राशन दिया, तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि भारत में भीषण गर्मी आएगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है, घर घर हमें एसी चाहिए होगा, अगर हमें लोगों को गर्मी से
मरने से बचना बचाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या उस व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं कि आप अपने घर में एसी लगा लीजिए जो हर रोज के 160 रुपए कमाता है? क्या आप उस व्यक्ति से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हर रोज कमाता है, जिसे दो वक्त का खाना भी, जब वो पूरा दिन मजदूरी दिहाड़ी कर लेता है, वो लेबर, वो मजदूर, उसके घर में रात का चूल्हा जलता है, वो अपने लिए इस क्लाइमेट चेंज की, इस भीषण गर्मी की तैयारी कर लेगा? मुझे नहीं लगता। और अगर कर भी लेगा, मान लीजिए उसने अपने पिछले 5, 10, 15 साल की कमाई से घर में एक एसी ले भी आया, वो अपने खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो क्या उसे काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि उसे पता है कि उसके घर में एसी तो आ गया है, आपने जगमग योजना के तहत उसके घर में स्मार्ट मीटर तो लगा दिए हैं, उसका बिल वो कहाँ से चुकाएगा? और बिल तो छोड़िए, वो शाम को खाना कैसे खाएगा अगर बाहर भीषण गर्मी होगी? और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही कहती है कि बाहर जाकर काम करना भी दूभर हो जाएगा, भारत में इतनी बड़ी बड़ी हीट वेव्स आने वाली है। लेकिन हमारे लोग, हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है। अब कहेंगे 2023 में तो आई नहीं, 4 महीने बाद आप ये कह देंगे, लेकिन ये तय है, ये आप भी महसूस करते होंगे कि जो गर्मियां अप्रैल से लेकर जून तक पड़ती थी, जुलाई तक पड़ती थी, जब दिवाली आती थी अक्टूबर में, नवंबर में, तो हम सर्दियों के कपड़े निकाल लेते थे, वही गर्मियां अब फरवरी से लेकर और जुलाई अगस्त तक पहुंच गई हैं ऑफिशियली। लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो आज भी नवंबर दिसंबर तक ऐसा मौसम नहीं होता जब हम सर्दियों के कपड़े निकाल लें। तो क्लाइमेट चेंज तो ये एक सच्चाई है। IPCC खुद इस पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी कर चुका है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े बड़े शहर डूबने वाले हैं, इसके कारण भीषण गर्मी पड़ने वाली है, आपको एक तैयारी की जरूरत है। देखिए, इसके लिए जो सस्टेनेबल और प्रैक्टिकल तैयारी है, वो तैयारी है कि आप बड़े शहरों से, क्योंकि वहां पर अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर भी जाते हैं, तो आपको टेम्परेचर में, गर्मी के समय में बहुत ज्यादा फर्क मिल दिखेगा, क्योंकि वहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पर जो दिन रात कार्बन एमिशन होता है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल फीजेबल सॉल्यूशन है कि वहां आप इन शहरों से अगर दूर घर बनाकर अगर कुछ ऐसा अपना इंतजाम कर सकते हैं सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल का, चकाचौंध से दूर, तो शायद आप इन चीजों से बच सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि दिल्ली से 100-150 किलोमीटर दूर हीट वेव नहीं आएगी, मुंबई से दूर नहीं आएगी, वो आएगी हर जगह, लेकिन उसका प्रभाव कम होगा जब आप एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर काम करेंगे, जब आपके आसपास पौधे होंगे। गांव इन चीजों से बच सकते हैं अगर वो आज भी शुरुआत करते हैं तो, और बड़ा बदलाव एक व्यक्ति ला सकता है। आज काफी ऐसे उदाहरण हैं जब एक व्यक्ति जंगल के जंगल खड़े कर देता है, और जो सही मायने में क्लाइमेट चेंज का, जो सही मायने में इस गर्मी का, इस आने वाली हीट वेव्स का, इस भीषण गर्मी का जवाब है, समाधान है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि हम जो है 2030-2035 के बाद का समय देखें, तो आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि खुद लैंसेट की रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि हर साल भारत में 7 लाख लोगों की मौत उन कारणों की वजह से होती है जिनमें क्लाइमेट चेंज कोई ना कोई असर डाल रहा है। मतलब अब क्लाइमेट चेंज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मौतें होनी शुरू हो गई हैं। और मैं यहाँ पर 2, 5, 10 हजार मौतों की बातें नहीं कर रहा हूँ, 7 लाख से ज्यादा मौतें की बात हर साल सिर्फ भारत जैसे देश में उन कारणों से होती हैं जिनमें क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है। तो आप सोच सकते हैं समस्या कितनी बड़ी है, और समाधान इनका उन्हीं चीजों में होगा। आप जब आप पीछे जाएंगे समय में, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद उनमें समाधान मिल जाएगा। आपको जीरो कार्बन एमिशन होना चाहिए। एक छोटी सी बात है कि आपको पेड़ लगाना है, उससे गर्मी जो है कम होती है, उससे कार्बन एमिशन जीरो होता है। और अगर आपके आसपास ऐसा होगा, तो आप हीट वेव्स को, उन भीषण गर्मियों को, उस क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक झेल पाएंगे, जो शायद आप उन पिंजरों में नहीं कर सकते जिन्हें आप शहरों में फ्लैट्स कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, घर कहते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।